लिनक्स के बेसिक कमांड पार्ट टू में हम देखते हैं कुछ और कमांड्स जो कि बेसिक ही हैं बट आपकी बहुत यूज़फुल हो सकती हैं आपके लिए। सबसे पहले हम देखते हैं एमवी कमांड। तो देखिए एमवी का क्या यूज़ हो सकता है। सबसे पहले एमवी जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि वो किसी फाइल या फोल्डर को मूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ, कहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ रूट के अंदर। तो यहाँ पे आप एलएस से देखोगे कि कुछ हमारे फाइल या फोल्डर्स पड़े हुए हैं, बट एक टेस्ट करने के लिए मैं एक फाइल और बना देता हूँ जो कि है मेरे कैट से बना लेते हैं टेस्ट फाइल। मैंने इसके अंदर लिख दिया है हेलो, दिस इज टेस्ट फाइल। मैंने इसे सेव किया। देखिए यहाँ पर की टेस्ट फाइल मेरी बन चुकी है। अब इसे मूव कराना चाहता हूँ मैं फिलहाल इस लोकेशन से डेस्कटॉप पे। तो मैं क्या करूँगा, एम वी स्पेस टेस्ट फाइल के अंदर से उसे उठा के डेस्कटॉप पे डालूँगा। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत समझने वाली बात है कि अगर मैं यहाँ पर सोर्स फाइल, मैं तो सोर्स फाइल का नाम लिख देता हूँ और डेस्टिनेशन पाथ में मैं केवल पाथ लिखता हूँ तो ये अपने ओरिजिनल नाम के साथ में पेस्ट हो जाएगी यानी कॉपी होगी। जैसे फिलहाल मैं डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ तो फिलहाल यहाँ पे ये डेस्कटॉप पे फाइल चली जाएगी अपने ओरिजिनल नाम के साथ में जो कि इसका नाम है टेस्ट फाइल। और अगर मैं इस यहाँ पे स्लैश लगा के कोई नया नाम दे देता हूँ जैसे कि टी ओ वाई, तो फाइल तो वही जाएगी लेकिन पेस्ट होने के साथ साथ वो रिनेम भी हो जाएगी। चलिए पहले हम पहला तरीका देखते हैं। एंटर किया, आप देख सकते हो तो ये टेस्ट फाइल आ गई और यहाँ से देखोगे तो यहाँ से हट गई। यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पर टेस्ट फाइल कहीं नहीं है और अगर आप इसे देखोगे डेस्कटॉप पे तो डेस्कटॉप पे ये आ चुकी है। सेकंड फाइल में बनाता हूँ टेस्ट फाइल टू। मैंने लिख दिया दिस इज टेस्ट फाइल। सेव किया, एलएस करके देखा तो आप देख सकते हो टेस्ट फाइल टू है। आप क्या कर सकते हो, एमवी स्पेस टेस्ट फाइल टू स्पेस डेस्कटॉप के बाद में मैंने कोई नाम नहीं दे दिया, जैसे कि कोई भी नाम दे देता हूँ टी ओ वाई। आप देख सकते हो कि यहाँ से वो टेस्ट फाइल टू हट गई और डेस्कटॉप पर आ गई। आप देख सकते हो कि डेस्कटॉप पे टॉय आ चुकी है और ये वाली टेस्ट टॉय फाइल को अगर आप रीड करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये वही फाइल है जो मैंने बनाई थी। आपको समझ आ गया कि अगर डेस्टिनेशन में आप केवल पाथ डालते हो तो ओरिजिनल नाम रहेगा और अगर पाथ नहीं डालते हो, पाथ नहीं डालने के अलावा आप मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पाथ डालने के साथ साथ फाइल का नाम भी डाल देते हो तो उससे क्या होगा कि वो अपना नाम भी बदल देगी। तो बेसिकली इसका दो दो यूज़ तो आपको समझ आ गए होंगे, एक तो फाइल को मूव कराने के लिए और रीनेम कराने के लिए। बट रीनेम का अगर क्लियरली समझ ना आया हो तो मैं एक बार और बता देता हूँ। चलिए सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं, देखते हैं। हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं हम और टच स्पेस जे के नाम से मैं एक फाइल बनाता हूँ। जे के नाम से फाइल बन चुकी है। अगर आप इसे रीनेम करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, एम वी स्पेस जी के स्पेस यहीं पे आप इसका नया नाम दे दो। जैसे मैंने लिख दिया कुमार, एल एस कर दिया तो आप देखोगे कि यहाँ पे जहाँ जे के था पहले वहीं पर क्या है, उसका नाम बदल के क्या आ गया, कुमार। तो इस तरीके से एम वी नाम की जो आपकी कमांड है उसका मूव के अलावा रीनेम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और एक और बहुत ज़रूरी बात कि लाइनेक्स में अगर किसी भी फाइल का नाम एक डॉट के साथ में स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब वो आपकी हिडन फाइल है। जैसे कि आप देखिए कि मैं कुमार को हिडन करके देखता हूँ तो एम वी का आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी फाइल को हाइड या अनहाइड करने के लिए। देखिए कैसे, एम वी स्पेस कुमार, इसे मैं रीनेम कर देता हूँ डॉट कुमार से। तो देखिए होगा क्या कि क्योंकि कुमार का नाम बदल के मैंने डॉट कुमार कर दिया और अकॉर्डिंग टू द रूल जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी फाइल के नाम के सामने अगर डॉट आ जाता है तो वो हिडन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एल एस करोगे तो यहाँ से कुमार गायब हो चुकी है। बट अगर आप एल एस स्पेस माइनस ए कर दोगे तो आप ये आपको हिडन फाइल भी शो कर देगा जिनमें से आपकी एक कुमार नाम की फाइल भी
होगी। अगर आप इसे अनहाइड करना चाहते हो तो इसका रिवर्स ऑर्डर में काम कीजिए, एमवी स्पेस डॉट कुमार स्पेस कुमार। आप देख सकते हो कि वो कुमार आपकी फाइल वापस आ गई है। तो मूव के बेसिकली आपने तीन तरीके या तीन इस्तेमाल पड़े, फाइल को मूव कराने के लिए, रीनेम कराने के लिए और हाइड अनहाइड करने के लिए। ये है मूव एड मूव या एमवी कमांड का इस्तेमाल। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर एलएस कमांड का क्या यूज़ है। तो देखिए एलएस कमांड का यूज़ करने के लिए आपको पहले तो एलएस ही बता देता हूँ। एलएस का मतलब क्या है, फिलहाल जहाँ पर भी मैं काम कर रहा हूँ यानी रूट के अंदर वहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है, मैं एलएस कमांड लिख के एंटर मार दूंगा तो यहाँ पे बता देगा कि ये यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप मैं कोई पाथ भी डाल देता हूँ जैसे कि एलएस स्पेस दे के डेस्कटॉप, तो ये मुझे यहाँ पर यानी करेंट पाथ के का ना बता के मुझे डेस्कटॉप पर बताएगा कि डेस्कटॉप पर आपका क्या क्या पड़ा हुआ है। तो डेस्कटॉप पे आपको जैसा कि आपने देखा कि टेस्ट फाइल और टॉय नाम की फाइल मेरी पड़ी हुई है। तो एलएस के आपको दोनों यूज़ समझ आ गए कि आप उसे करंट के लिए भी देख सकते हो और किसी अदर लोकेशन के लिए भी देख सकते हो। चलिए इसमें और थोड़ा सा एडवांस पढ़ते हैं। तो एलएस स्पेस माइनस अगर आप एल इस्तेमाल कर देते तो फिलहाल जहाँ पर भी मैं काम कर रहा हूँ उसकी ये लॉन्ग लिस्ट दिखा देगा यानी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। चलिए क्या है कि देखिए यहाँ पे तो ये सारी फाइल्स या फोल्डर के नाम भी बता रहा है कि यहाँ पे ये फोल्डर्स के नाम है और यहाँ पे कुछ फाइल्स के नाम है, ठीक है। उसके अलावा ये जो बता रहा है यहाँ यहाँ से ये इस आपका, तो ये बता रहा है लास्ट मॉडिफाइड और क्रिएटेड डेट एंड टाइम। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो भी, अगर कुमार है तो कुमार में आप देख सकते हो करेक्ट टाइम जो अभी हो रहा है उसके अराउंड ही मैंने फाइल बनाई है फिलहाल ये। देन उसके बाद में यहाँ पर ये जो ये वाला जो कॉलम है ये सारी फाइल्स के, तो जो इस कॉलम में वो जो फाइल मैंने बनाई है कौन से यूज़र ने बनाई है उसे, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बता रहा है। प्लस ये जो सेकंड वाला जो कॉलम है इसमें आप देख सकते हो कि जिस जो वो जो फाइल बनाई है जिस यूज़र ने बनाई है उसका ग्रुप कौन सा था। तो यानी ये यूज़र फाइल का यूज़र, फाइल का ग्रुप यानी यूज़र को आप ऑनर भी कह सकते हो। ये हो गया ग्रुप, ये हो गई आपके लास्ट मॉडिफाइड डेट एंड टाइम हो गया, और ये आपका साइज़ हो गया, ठीक है। और उसके अलावा ये आपकी परमिशंस होगी, परमिशंस मैं अभी किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, परमिशंस हो गई। और ये एक यूनिक नंबर होता है जिसके थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर कोई फाइल है तो उसके सामने ये वन आ रहा होगा और अगर कोई फोल्डर है तो मोर देन वन वैल्यू आती है, ठीक है। तो जनरली टू आती है लेकिन अगर आप कोई फोल्डर के अंदर फोल्डर बना दोगे तो उसके लिए थ्री भी आ सकती है, ठीक है। और ये था आपका एल एस माइनस एल का यूज़। नेक्स्ट है आपका एल एस माइनस ए का इस्तेमाल। एल एस माइनस ए का आप कैसे किस तरीके से इस्तेमाल करोगे, तो एल एस माइनस ए का यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, एल एस स्पेस माइनस ए कमांड चला दोगे। इससे आपको वो ऑल फाइल्स को दिखा देगा, डजेंट मैटर वो हिडन है या नहीं, यानी अनहाइड जो फाइल हिडन है भी उनको भी दिखा देगा और अनहाइड है उन्हें भी ये दिखा देगा। तो एल एस माइनस ए का मतलब क्या है, लिस्ट ऑल के सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। चलिए थोड़ा सा इसमें वाइल्ड कार्ड के बारे में हम पढ़ते हैं। तो वाइल्ड कार्ड क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे हम एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ या फिर कई सारी फाइल बना देता हूँ, टच स्पेस एक मैंने फाइल बनाई ए, दूसरी बनाई ए बी, तीसरी बनाई ए बी सी, चौथी बनाई ए बी सी डी, पाँच बनाई ए बी सी डी ई। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ए बी ए बी सी डी ए बी सी डी इस टाइप से आपको फाइल बनाई हुई हो दिख रही होंगी। लेकिन अगर आप ऐसा कर सकते हो एल एस स्पेस क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे केवल आपको उस फाइल के बारे में उस फाइल का नाम प्रिंट करेगा जिसका जो नाम है वो सिंगल करेक्टर से होगा। अगर मैं यहाँ पर डबल लगा देता हूँ तो वो डबल करेक्टर से, अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ तो ट्रिपल उससे, अगर यहाँ पर एक और लगा देता हूँ तो चार से मिलकर बना हुआ जो होगा। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको ये आइडिया है कि अगर मेरी जो मैंने जो फाइल बनाई थी वो एक करेक्टर दो करेक्टर तीन चार या जितने भी करेक्टर की, आप उतने क्वेश्चन मार्क पुट करके उसका नाम पता कर सकते हो सही। और एक और बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आप एल एस स्पेस ए स्पेस स्टार लगा देते हो तो यानी ए से शुरू होने वाली सारी फाइल्स के बारे में आपका नाम आपको प्रिंट कर देगा। तो आप देख सकते हो कि मेरी प्रेजेंट लोकेशन पर ए से स्टार्ट होने वाली ये चार पाँच ही फाइल्स बनी हुई हैं, तो उनके बारे में इसने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मुझे दे दी। तो ये था बेसिकली आपका कि किस तरीके से आप कमांड्स के बारे में देखोगे, यानी एल एस कमांड हो गई और मूव कमांड के बारे में। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो मैं अपनी अगली वीडियो में शेयर करूँगा आपको।